नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। बेटी महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश की बेटियों को अकेले बाहर निकलने में डर नहीं लगता। सरकार के सारे दावे खोल कर साबित हो रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो ये साफ जाहिर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। घटना हाथरस के थाना जंक्शन इलाके की एक गांव की है, जहां दो युवकों ने हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव की एक नाबालिग युवती को उसकी सहेली अपने साथ शौच के लिए गांव से बाहर खेतों तक चलने के लिए कहकर अपने साथ ले गई थी, जहां पहले से दो युवक गोलू और ओमवीर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही युवती वहां पहुंची तो दोनों युवकों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बारी बारी कर हैवानियत को अंजाम दिया। घर जाकर युवती ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन तुरंत ही पीड़िता को लेकर थाना जंक्शन पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मेरे साथ दो लड़कों ने बदतमीजी की है। बदतमीजी की है? वो आपके गांव के थे, बाहर के थे? बाहर के। एक तो हीरा नारा था, एक हीरा नारा का था और एक वो है, मतलब आपको उठा के लेके आए थे किसी के द्वारा? बुलवाया था? एक मिनट स्पेस। मुझे बुलाया था। रुक के रुक के बता देना कहाँ का रहने वाला है, फिर उसका बता देना, ठीक है? कहाँ का रहने वाला है दूसरा? वो अलीगढ़ के पास ही। ये घटना कैसे हुई आपके साथ में? मेरे साथ जब मैं शाम को लैट्रिन के वहाँ सोच के वहाँ गई थी तो तब वो लड़की मेरे साथ जो फ्रेंड है मेरी वो बुला के ले गई थी, फिर उसने आके घर पे मुझे वहीं पे छोड़ के आ गई और इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती और बहुत गलत किया। आप लोग पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने हमारे संवाददाता को बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो गांव इस संबंध में एक तहरीर थाना में प्राप्त हुई जो एक महिला के साथ बचा के संबंधित थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें नामित दोनों व्यक्तियों को समाचार इंडिया के लिए जयकिशोर कुशवाहा की रिपोर्ट। जब जब अन्नदाता परेशान होते हैं तो फिर देश का विकास कैसे होता है, ये तो खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बिजनौर में बता रही है कि अन्नदाता किस तरीके से परेशान है। बिजनौर जनपद की ये खबर है जहां जिलाधिकारी परिसर को किसानों ने अपना समस्याओं का समाधान करने के लिए महापंचायत का अड्डा बना रखा है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि जिला बिजनौर में किसान अपनी तमाम मांगों और हाल ही में हुए किसानों पर अत्याचार को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान अपनी लाठियों को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक महापुरुष थाना कोतवाली देहात थाने परिसर में एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट किसानों ने अपने थाने में करवाई थी और अभी तक ट्रैक्टर का कोई पता नहीं लग पाया है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने किसानों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है। किसानों का आरोप है कि पुलिस कप्तान कोई मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अत्याचार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में नाराज किसानों ने अपने खराब ट्रैक्टर को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया था, जो कि डीएम कार्यालय के सामने खड़ा कर दिया है और सीधी बात ये कह रहे हैं कि ठीक करवाओ वरना आग लगा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर किसानों के नेता ने पुलिस कप्तान को कंस और चोरी की उपाधि दे दी है और बताया कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद मोर्चा संभाल रहे हैं जिला परिसर में। अब देखना ये होगा कि किसानों की पीड़ा को प्रशासन कितनी जल्दी सुलझाता है। देखो, मुख्य मांग ये है कि गन्ने का भुगतान, बिजली के बढ़े हुए रेट जो उसकी पावर बढ़ाई है 7.5 से 10 और 12 कर, किसानों के वाहन वहाँ से चोरी हुए, जो ट्रैक्टर है थाने के अंदर से चोरी हुई, ये इशू है। किसानों पे फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की नीति भगत से हो रहा है। ये हमारी समस्या है। किसान यहाँ पे आज आ रहे थे
उनके ट्रैक्टरों को तोड़ा गया है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये हमारी समस्याएं हैं, यहाँ पर समस्याएं बहुत है, वे सुनने वाला कोई है नहीं। अच्छा, जैसे कि धरना प्रदर्शन होते आए हैं और आज भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या किस तरह से मानते हो आप इसे, किस तरह से आप ये तो एक गुंडागर्दी और हिस्ट्री शाही है, इस हिसाब से आज भी है। किसान हमेशा यही मीटिंग करता है, यही पंचायत करता है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से आता है, लेकिन आज पहला मौका यहाँ पर आया कि किसानों के ऊपर लाठियाँ चार्ज करी गई, किसानों के ट्रैक्टर को तोड़ा गया। ये पहला मौका है बिजनौर और इसका पूर्ण रूप से घटक। अच्छा, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? हम यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे, हम यही खाना पड़ेगा। ठीक है साहब, सूबे में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन किसी प्रधान देश में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, हो जाएगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। किसान आंदोलन से जिंदा है, सरकार से जिंदा नहीं है। आंदोलन होंगे तो जिंदा रहेगा, आंदोलन नहीं होंगे तो ये सरकार शुरू। जैसा कि अभी आपका काफिला यहाँ से आ रहा था तो शहर के बाहर ही रोकने का प्रयास किया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, रोक क्या करें, तो पुलिस प्रशासन अपना काम कराएगा। समाचार इंडिया के लिए लोकेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।